बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू ने पार्टी में संभावित विभाजन का संकेत मिलते ही पार्टी को एकजुट करने और अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी है। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मंगलवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की और बैठक के दौरान पार्टी आलाकमान के दिशा निर्देश समेत विभिन्न विषयों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की। उमेश कुशवाहा ने बताया कि पार्टी के निर्देश अनुसार वह राज्य के सभी जिलों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बूथ स्तर पर आम जनता से जुड़ने के महत्व पर जोर दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जदयू पार्टी का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में शामिल कराने की है। बैठक के दौरान शहर के सफाई कर्मियों ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात कर अपनी बात रखी। सफाई कर्मियों ने समान दर्जा और समय पर उचित वेतन भुगतान की मांग की और उसको पूरा करने का आग्रह किया। इससे पूर्व युवा जदयू नेता आर्यन सिंह ने अंगवस्त्र और माला पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का स्वागत किया। हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संकल्प है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, उस संकल्प में सब लोग आए थे साथ देने के लिए। भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय नवगछिया का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों की जांच की। उन्होंने अपराध शाखा, हिंदी शाखा, डीसीबी, लेखा समेत सभी शाखाओं में संधारित किए जा रहे विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई उसे दूर करने का डीआईजी ने निर्देश दिया। डीआईजी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकांश अभिलेखों का 100% निरीक्षण के पूर्व अद्यतन पाया गया। उन्होंने थोड़ा बहुत कमियों में सुधार लाने की भी बात कही। डीआईजी ने बताया कि अपराध से संबंधित जो अभिलेख हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण प्रविष्टियों को किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस निरीक्षक नवगछिया और बीपुर के कार्यों की भी समीक्षा की। डीआईजी ने कार्य में सुधार लाने के लिए अलग से निर्देश दिए। डीआईजी ने कहा कि एसडीपीओ द्वारा जो पर्यवेक्षण किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता तथा पर्यवेक्षण करने में कितना समय लग रहा है, इन सब बातों को परखा गया। इस दौरान पाया गया कि इसमें सुधार की काफ़ी आवश्यकता है। कई मामलों में उनके द्वारा पर्यवेक्षण किया गया है जो पर्यवेक्षण टिप्पणी काफ़ी विलंब से निर्गत हुई है, इन सबों पर सुधार की आवश्यकता है। इसको लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर नवगछिया तथा बीपुर के कार्यकलाप की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दोनों इंस्पेक्टर के निरीक्षण कार्य में रुचि नहीं है। डीआईजी विवेकानंद ने पत्रकारों को बताया कि नवगछिया में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक थाने की आवश्यकता है, जो इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं बीपुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर भी पुलिस मुख्यालय गंभीर है, जल्द ही इस पर निर्णय होगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हम लोगों के द्वारा लगातार समीक्षा किया गया है। एग्जैक्ट संख्या तो अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में पर्याप्त बल हमें प्राप्त हुआ है और उसकी प्रतिनियुक्ति जो है हर संवेदनशील जगह पे की गई। इस पर जो है मामला विचाराधीन है गृह विभाग में, और हम समझते हैं कि इस वर्ष यहाँ पे ट्रैफिक थाना का भी संचालन प्रारंभ होगा। पुलिस अनुमंडल के रूप में बीहपुर में एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की स्थापना का प्रस्ताव जो है हम लोगों ने दिया है। लालटेन से सजी हेलमेट पहने, शरीर पर हरे रंग का कपड़ा लपेटे हुए और लालू यादव, तेजस्वी यादव व रावड़ी देवी की तस्वीर, मनोकामना यह है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। यह नज़ारा सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम के रास्ते में कच्ची कांवरिया पथ पर दिखा। दरअसल सावन के पावन महीने में कांवरिया लगातार बैद्यनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। इनमें से भोलेनाथ के कई अनोखे भक्त भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज सुल्तानगंज से
बैद्यनाथ धाम के रास्ते में कच्ची कांवरिया पथ पर राजद के कट्टर समर्थक दिखे, जो मसौड़ी के रहने वाले सुमित कुमार हैं। सुमित कुमार डाक बम के रूप में सुल्तानगंज से जल लेकर बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। सुमित के इस रूप को देखते ही लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगे। सुमित ने बताया कि वह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और तेजी से राज्य का विकास करे, साथ ही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। आगामी विपक्षी एकता की बैठक में नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताएंगे। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वह सावन के हर सोमवार को ऐसे ही रूप में बैद्यनाथ धाम जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह 2019 में भी इस तरह से बैद्यनाथ धाम गया था, जब लालू यादव काफ़ी बीमार थे तब वह बैद्यनाथ धाम गए थे और बाबा की कृपा से लालू यादव स्वस्थ भी हुए। भागलपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सह अपर न्यायाधीश लोक सूचना पदाधिकारी ज्योति कुमारी ने बताया कि भागलपुर में यह साल का तीसरा लोक अदालत होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा केस के निष्पादन को लेकर पहल की जाती है, जबकि इस बार पिछली लोक अदालत के मुकाबले ज़्यादा केसेस का निष्पादन हो, इसको लेकर भी विभागों के पदाधिकारियों के साथ वार्ता हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी तरह के केस के निपटारे किए जाएंगे, खासतौर पर बिजली, भूमि, बैंक लोन और घरेलू विवाद से संबंधित केस का निपटारा किया जाएगा। गौरतलब हो कि पिछली लोक अदालत में ज़्यादा केस का निष्पादन हो, इसको देखते हुए भागलपुर कोर्ट में 17 बेंच, नौगछिया अनुमंडल में 7 और कहलगांव में 2 बेंच बनाए गए थे, जबकि सचिव ने बताया कि इस वर्ष सभी जगहों पर ज़्यादा बेंच हो, इसकी संभावना जताई जा रही है। हालाँकि इसको लेकर अब तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है। 9 सितंबर 2023 को होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। सारे कोर्ट को हमने मीटिंग के द्वारा कहा है कि आप लोग अब जल्दी से जल्दी वादों को नोटिस करके भेजें पार्टी को, ताकि पार्टी आए और उस दिन निष्पादन करा सकें। इसके अलावा हम लोगों ने बैंक वालों के साथ भी मीटिंग की है और इंश्योरेंस कंपनी के साथ मीटिंग की है, और भी मीटिंग अभी होने वाली है जो अगले हफ्ता में हो जाएगी। भागलपुर में एक महिला ने अपने पति पर प्यार का झांसा देकर शादी कर भाग जाने का आरोप लगाया है। महिला सलमा खातून के 3 बच्चे हैं और वह चौथे बच्चे को जन्म देने वाली है। उसका कहना है कि उसने 2015 में मोहम्मद आरिफ से शादी की थी, लेकिन कुछ साल बाद उसने उसे छोड़ दिया। काफ़ी खोजबीन के बाद वह घर वापस आया, लेकिन वह पिछले 10 दिनों से फिर से फरार हो गया है और गर्भवती महिला अब अपने बच्चों के साथ उसकी तलाश में दर दर भटक रही है। मंगलवार को भागलपुर SSP कार्यालय पहुंचकर सलमा ने न्याय की गुहार लगाई, साथ ही अपने फरार पति को खोजने की मांग पुलिस से की है। सलमा का कहना है कि शादी के बाद आरिफ उससे पैसों की मांग करता था। उसने अपनी सास नाजिया खातून पर मारपीट करने और पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि अगर उसने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वह उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल देंगे। सलमा ने पुलिस को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन अब तक आरिफ का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो मेरी शादी को 8 साल हो गई सर, और मैं जब से इसके घर में शादी करके आई तब से मेरे शौहर, मेरी सास, मेरी ननन हमको मार पीट करके घर से निकाल दी, और घर से निकाल दी और कहती है कि अपने दहेज में पैसा कम लाई हो, दहेज कम लाई हो, पैसा ला के दो, 20,000, 30,000, 40,000 ला के देती गई। फिर भी मेरी सास हमको बहुत ज़्यादा परेशान करती रही, कहती है कि 2 लाख रुपए एक मोटरसाइकिल ला के दो, अगर नहीं दोगी तो हम अपने बेटे की तीसरी शादी कराएंगे, तुम रोक नहीं सकती हो। तीसरी शादी पति की पहले भी शादी? हाँ, पहले भी एक शादी हो चुकी है रुकैया से। अच्छा, उसको भी छोड़ दिया? उसको भी छोड़ दिया, हमसे दूसरी शादी है। अच्छा। और एक तीसरे पे बोलती है कि इतना सामान ला के दो, नहीं ला के दोगी तो हम अपने बेटे की तीसरी शादी करेंगे, दान दहेज बहुत ढेर सा लेंगे और उससे भी धंधा करवाएंगे घर में।
त्रिपैती रेफरल अस्पताल में आशा दीदियों के द्वारा अपने नौसूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज सातवां दिन जारी रहा। आशा दीदियों ने बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे और सड़क से लेकर सदन तक हम लोग घेराव करेंगे। हड़ताल में आशा संघ के प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी, नूतन देवी, वीना कुमारी, ब्यूटी सिन्हा सहित प्रखंड के सभी आशा कार्यकर्ता शामिल थे। मतलब कोरोना काल में जो आशा काम किया उस समय बोला था कि सरकार की ओर से 10,000 रुपया नौ सूत्री मांग है और मतलब कहा गया था कि आशा को मतलब एक महीना का 10,000 रुपया वेतन मिलेगा, वो भी आज तक प्रोत्साहन राशि के नहीं मिला है। और जो फैसिलिटेटर लोग था, जो भी स्टाफ था, मतलब बोला गया कि एक महीना का डिमांड अलग से मिलेगा, वो भी हम लोग को नहीं मिला है।